नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। अभय सिंह ने दिया नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा। इनेलो छोड़ गए एमएलए की भी सदस्यता खारिज करने की मांग की है। जी हां, लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच इनेलो प्रमुख अभय सिंह चौटाला ने हरियाणा विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। उन्होंने अपना इस्तीफा स्पीकर को भेज दिया है। अपने इस्तीफे के साथ ही अभय सिंह ने जननायक जनता पार्टी जेजेपी में गए विधायक नैना चौटाला, अनूप जगदीप फोगाट व पृथ्वी नवरदार तथा अन्य विधायक रणवीर गंगवा की विधानसभा सदस्यता खारिज करने के लिए भी पत्र लिखा है। चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि वह दुष्यंत चौटाला की लोकसभा सदस्यता खत्म करने के लिए भी लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखेंगे। इस दौरान अभय सिंह ने एक बार फिर से अपने भतीजे दुष्यंत चौटाला पर जमकर बरसे। कहा, जिन्होंने इनेलो की साथ गद्दारी की है वो कभी भी चुनकर दोबारा विधानसभा और लोकसभा में नहीं आए। जेजेपी व अन्य पार्टियों में गए इनेलो नेताओं का भी यही हाल है होगा। अभय सिंह ने हरियाणा भाजपा अध्यक्ष सुभाष बराला पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इनेलो ने आज तक गठबंधन के लिए भाजपा को कोई चिट्ठी नहीं लिखी है। बराला ने इस मामले में झूठ बोला है। वह इस मामले में और इस संबंध में बराला को लीगल नोटिस भेजेंगे। वह बराला के खिलाफ मानहानि का दावा भी ठोकेंगे। आप देख रहे हैं पल-पल की ये विशेष रिपोर्ट। कैसे वो आंदोलन आगे ना चले, कैसे लोग अपनी मांग ला रखे, उसको टालने के लिए आश्वासन भी दिया और उसके साथ साथ दूसरी तरफ अपने लोगों की पीठ पे हाथ रख करके उनको उकसाया भी दिया। और जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो इस आंदोलन के अंदर 19 तारीख को सरकार ने जो सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, उस बैठक में जो निर्णय सारे प्रदेश के राजनीतिक लोगों ने बैठ करके मुख्यमंत्री के साथ लिया, अगर उसी दिन जो अंदर बैठ करके बात हुई थी वो आप लोगों के माध्यम से प्रदेश के लोगों ने संदेश दे देते तो फिर 32 इनोसेंट बच्चे मौत के घाट नहीं उतरते। और उन 32 जो बच्चे मारे गए थे, सरकार ने स्वयं उनको ये आश्वासन दिया था कि हम इनके परिवार के लोगों को 10-10 लाख रुपए भी देंगे, नौकरी भी देंगे, शहीदी का दर्जा भी देंगे। विधानसभा में जब उनको शोक प्रस्ताव में शामिल कर लिया गया और उनके परिवार के लोगों को 10-10 लाख रुपए दे दिए गए तो फिर उन इनोसेंट लोगों को भी शहीदी का दर्जा मिलना चाहिए, उनको भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। जहां इनको शामिल किया जाए वहां इनके परिवार के एक एक बच्चे को उनको नौकरी भी, परमानेंट नौकरी की व्यवस्था उनके लिए करेंगे। उसके साथ साथ एक चीज बहुत दिन से लगातार चर्चा में थी और बहुत से लोग रोजाना इस बात को लेकर के चैलेंज करते थे कि हमने अपना अलग झंडा खड़ा कर लिया, हमने अपनी अलग पार्टी बना ली और इस किस्म के आरोप लगाते थे कि अभय सिंह चौटाला जो है इनको इसलिए स्पीकर को चिट्ठी लग करके डिस्क्वालीफाई के लिए या पार्टी से निकालने के लिए इसलिए पीछे हटते हैं कि कहीं इनके, मैंने तो हमेशा एक सोच रखी कि जो हमारे सिंबल पर चुन करके आए हुए विधायक हैं वो इलाके की बात को विधानसभा में कस के इसके लिए इन लोगों को नोटिस देने की बजाय, क्योंकि एमएलए जो चुन करके आता है उसकी जिम्मेदारी होती है वो उस जिम्मेदारी को निभाए। मैंने बारी बारी कहा था कि अगर आप लोगों ने अलग पार्टी बना ली, अलग पार्टी में आप शामिल हो गए तो फिर आपको स्पीकर को समन लिख करके दे देना चाहिए। लेकिन उनकी जबान भी, उनकी गतिविधियां भी आगे बढ़ती रही, इसलिए हमने फैसला किया है कि जो चार लोग अपने आप को जजपा के समर्थित कहते हैं, जो कहते हैं कि हम जजपा में शामिल हैं, आज ही हमने स्पीकर को चिट्ठी लिखी है और स्पीकर से मांग करी है
कि पार्टी के खिलाफ गतिविधियों में हिस्सा लेने वाले इन चारों लोगों को डिस्क्वालीफाई किया जाए। जहां इन चारों को डिस्क्वालीफाई के लिए लिखा है, वहीं रणबीर सिंह गंगवा जो हमारी पार्टी छोड़कर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ है, उसके लिए भी चिट्ठी लिखी है कि इसको भी डिस्क्वालीफाई किया जाए। कोई भी एमएलए या कोई मेंबर पार्लियामेंट किसी भी पार्टी के जिनसे जीत करके आता है और अगर वो उस पार्टी के खिलाफ किसी भी एक्टिविटी में हिस्सा लेता है तो फिर 100% दो बड़े फैसले मैं आपको बता देता हूं। एक फैसला हुआ था शरद यादव का, शरद यादव राज्यसभा के मेंबर चुन करके आए थे नीतीश जी की पार्टी से, और उन्होंने जब उस पार्टी के खिलाफ अखबारों में जाकर के बोलना शुरू किया, उन्होंने पार्टी की जो गतिविधियां थी उनके खिलाफ प्रचार शुरू किया, तो उनकी पार्टी की तरफ से उस वक्त जो राज्यसभा को हेड करते थे आपके कैमरा नायडू, उनको पार्टी की तरफ से लिख करके दिया गया कि इनके खिलाफ आपको एक्शन लेना चाहिए, इनको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। उन्होंने उसको डिस्क्वालीफाई करने का काम किया। इसी तरीके से 2002 से 2005 तक जब हमारी गवर्नमेंट थी तो 7 इंडिपेंडेंट एमएलए थे, जिन 7 ने जाकर के ये कहा था कि हमने कांग्रेस पार्टी में अपनी आस्था शाबाश देख लो चंडीगढ़ बिना माइक चल जाए मेरा काम तो बात तो दूसरे भाइयों को है, तो उसमें भी हमने उस वक्त जो 7 मेंबर थे जिन्होंने कांग्रेस में आस्था व्यक्त करी थी, जिन्होंने सोनिया गांधी के घर जाकर के अपनी आस्था व्यक्त करने का काम किया, उस पर उस वक्त के स्पीकर ने एक्शन लिया था और उन 7 को डिस्क्वालीफाई किया था।